व्हाट्स अप माई टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हैं बॉलीवुड कृष्णा वाले। तो आज हम एक पिक्चर की रिव्यू करने वाले हैं जिसको आप सबका बेसब्री से इंतज़ार था। उस पिक्चर का नाम है, सोचो ये पता? चलो मैं रिवील करता हूँ। तो आज हमने एक पिक्चर देखी जिसका नाम है स्त्री टू, जो एक हॉरर फैंटेसी मूवी है जो कि कॉमेडी से भरपूर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो है गाइस, तो मैं आपको बता दूँ इस पिक्चर में मेन लीड में कौन कौन है। श्रद्धा कपूर है, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और आपाशक्ति खुराना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ, इस पिक्चर में तीन तीन कैमियो हैं, जिसमें से मैं सिर्फ एक कैमियो का ही रिवील करूँगा, बाकी दो मैं नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, अपने राजकुमार भाई ने काम एकदम उमदा किया है। जैसे कि मैंने इसकी पास्ट पिक्चर देखी थी बरेली की बर्फी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था। कुछ उस तरह का ही इन्होंने स्त्री टू में काम किया है। और मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने स्त्री पार्ट वन नहीं देखी तो फिर उन्होंने स्त्री टू देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब तक पार्ट वन नहीं देखोगे तब को पार्ट टू के बारे में क्या पता चलेगा। क्योंकि पार्ट वन में कहते हैं ना, हो स्त्री का लाना, कुछ जो पार्ट वन में सस्पेंस छूट जाता है उसके आगे ही पिक्चर ही बढ़ती है। और हमारी फेवरेट श्रद्धा कपूर का तो भाई क्या कहना, उन्होंने जो पहले पार्ट में जो एक्टिंग उमदा की थी ना, वो सेकंड पार्ट में उससे ज़्यादा है। मैं उनका जो कैरेक्टर रिवील नहीं करूँगा कि वो सस्पेंस है, और नहीं तो आपको पता ही ऐसे कि जो होते हैं ये इनके राइट्स वगैरह जो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट डाल देंगे, तो मैं उन कैरेक्टर के बारे में बताऊँगा नहीं क्योंकि बताने के लिए मना किया गया है। वैसे भी इसमें तीन कैमियो हैं, जिसमें से मैं एक का बता दूँ। एक तो अपने देख लिया है, क्या कहते हैं, वरुण धवन का भेड़िया के रूप में आते हैं, उनके गाने में अपीरेंस है, तो गाना तो बहुत अच्छा खासा चला है। तो उनका शायद नहीं बताऊँ, नहीं बताऊँ, बता दूँ, चलो बताता हूँ। क्लाइमैक्स में वरुण धवन कैरेक्टर है पंकज त्रिपाठी, उन्होंने बहुत ही उमदा एक्टिंग करी है। मतलब बंदा इम्प्रूव पे इम्प्रूव हो ही जा रहा है, उनको पता नहीं समझ नहीं उनको पिक्चर इतने कम क्यों दिया जा रहा है। मतलब कम उनको अधिक से अधिक पिक्चरें दी जाए, ताकि वो और भी हम मतलब उनको हम देखना चाहते हैं, बट वो उतनी पिक्चरें नहीं मिल रही है। बट भाई जब बंदा एंड में कहता है ना, जो एंड का सस्पेंस, मैं को एंड में ही बताऊंगा कि सस्पेंस है क्या, लेकिन पंकज भाई दिल जीत दिया आपने। सपोर्टिंग रोल में निभाते हुए आपाशक्ति खुराना, इनके तो पंच लाइन थोड़ा गड़बड़ है, बट इन्होंने फिर भी एक एवरेज एक्टिंग करी है। उनको और सीखने की ज़रूरत है, बट ओके उनकी एक्टिंग, ये सोच के मत जाओ कि भाई उमदा एक्टिंग करी है, नहीं, जस्ट नॉर्मल। स्त्री टू का देखने का सबसे मेन बड़ा रीज़न है, जो आप लोग हर एक बंदा चाहता है कि क्या स्त्री टू में अक्षय कुमार का रोल है। जी हाँ, बिल्कुल उनका रोल है। और मैं पिक्चर का, जो उनकी नेक्स्ट पिक्चर आएगी, मैं वो रिवील नहीं करूँगा कि किस नाम से आएगी स्त्री के बाद। वो आते हैं एकदम क्लाइमेक्स में, भाई साहब जब आते हैं ना, वो बैकग्राउंड म्यूजन टैन जो साउंडिंग आती है एक हॉरर वाली, वो दिल घायल कर गया भाई। भाई मैं बता नहीं सकता, भाई अक्षय कुमार ने जब भी उन्होंने एंट्री ली ना क्लाइमैक्स में, सीटी की ताली से एकदम थिएटर ब्लास्ट हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सबसे पहले स्त्री टू जाके देखिए, और अक्षय कुमार का कैमियो नहीं, कैमियो से कुछ ज़्यादा ही रोल दिया गया है, और आप वो देखोगे ना, भूल भुलैया वाली याद आएगी आपको। जी हाँ, ज़्यादा क्लाइमैक्स में बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो मेरे वीडियो पे वो कॉपीराइट आ जाएगी। तो दो और है गेस्ट अपीयरेंस है, एक तो बता दिया वरुण धवन है, एक और है वो नहीं बताऊँगा, बता दूँ क्या बोलते हो? जी हाँ, जाह्नवी कपूर है तीसरी गेस्ट अपीयरेंस। वैसे वो थोड़ी सी अपनी झलक दिखाती है, बट नेक्स्ट पार्ट उनकी बन रही है, कोलैब है। बट जो अक्षय कुमार का है, पब्लिक उसी का वेट कर रहे थे कि स्त्री टू में अक्षय कुमार का क्या बाकी रोल है, या फिर गेस्ट अपीयरेंस वगैरह कुछ है, नहीं है। लेकिन मैं अभी क्लियर कर दूं, जी अक्षय कुमार स्त्री टू में है, और इनकी एक फ्रेंचाइजी है ये हॉरर वाली, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। और नाम इनका बताऊंगा कि किस नाम से पिक्चर आएगी, वो पिक्चर देखोगे तभी आपको पता चलेगा। ओवरऑल मैं इस पिक्चर को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ इनका स्लो था, सेकेंड हाफ तो भाई उमदा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में स्टार देने को मतलब नहीं था कि सेकेंड पार्ट में जब क्लाइम मेन है क्लाइमैक्स क्या चलता है, लास्ट के आधा घंटा आप देख के खुद पागल हो जाओगे। तीन तीन गेस्ट अपीयरेंस है, देखो और एंजॉय करो पिक्चर,
हॉरर कॉमेडी है, ऐसी कॉमेडी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं वीडियो को यहाँ पे एंडिंग कर रहा हूँ, और आप वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दे, लाइक करे, वीडियो को शेयर करे, और हाँ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। तो नेक्स्ट आपको बॉलीवुड की जितनी पिक्चरें हैं, सॉन्ग, ट्रेलर वगैरह सब यहीं पे अपडेट मिलती रहेगी। गुड बाय, मिलते हैं फिर।